सो गाइस फाइनली आज काफी बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, काफी बड़ी कंफर्म न्यूज निकल के आ रही है। और गाइस ये जो न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है आईपीएल 2023 के ऑक्शन को लेके। हाँ गाइस, नीलामी को लेके फाइनली काफी बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है। नीलामी को लेके जो आप सभी को एक इंतजार था, जो चीजों का आपको कंफर्मेशन का इंतजार था, वो सब चीजें आज फाइनलाइज कर ली गई है। और गाइस आज बताने वाला हूँ कि नीलामी की डेट, टाइमिंग, वेन्यू और क्या क्या स्पेशल चीज रहने वाली, वो सब चीजें बताने वाला हूँ। और आगे के वीडियो इसी तरीके की नीलामी पे आती रहेंगी और न्यूज जो भी आती रहेंगी वो बताता रहूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले न्यूज के बारे में, डेट्स। मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स जो थी वो तो 16 दिसंबर को आपको मालूम चल गया था, लेकिन वो कंफर्म डेट नहीं थी। लेकिन आज पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कंफर्म रिपोर्ट दे दी है कि जो नीलामी होने वाला है वो 16 दिसंबर को होने वाला है। यानी कि आज जो आपका डेट है वो 16 अक्टूबर है, यानी कि मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है, 60 दिन का समय बचा हुआ है आईपीएल के ऑक्शन में। यानी कि ज्यादा दिनों का समय यहाँ पे भी नहीं बचा है। टीमों को अपना सभी चीजें स्टार्ट करना पड़ेगा, सब चीजें अपनी देखनी पड़ेंगी, तभी अब यहाँ पे चीजें कंफर्म हो पाएंगी, नहीं तो आप काफी ज्यादा पीछे अब छूट जाएंगे। इसलिए आपको अब सब चीजें यहाँ से आपको सभी चीजें यहाँ पे स्टार्ट करनी पड़ेंगी। और गाइस ये काफी अच्छी खबर निकल के आ रही है। दूसरे चीज के बाद की बात करें तो वेन्यू भी डिफाइंड नहीं हुआ था कि वेन्यू कहाँ पे हो सकता है। काफी लोग चेन्नई गए थे, कोलकाता गए थे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। जो वेन्यू डिफाइंड हुआ है वो बेंगलुरु में हुआ है, यानी कि बेंगलोर में आपको ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। नीलामी जो है वो आपको बेंगलोर में ही देखने को मिलने वाला है, यानी कि नीलामी को आपको न तो दूसरी जगह देखने को मिलने वाला है, बेंगलोर में देखने को मिलेगा। आम जनता जो है वो नहीं जाके देख सकती, आपको टेलीविजन पे ही देखने को मिलेगा और बाकी सोर्सेस पे ही आपको देखने को मिलेगा। अगले चीज के बारे में हम लोग बात करें टाइमिंग को लेके काफी लोगों को यहाँ पे पंगा हो रहा है। तो भाई यहाँ पे टाइमिंग अभी फिलहाल दो चीजों पे यहाँ पे अटका है। सबसे पहले तो 3 बजे की बात चली है कि यहाँ पे शाम को 3 बजे से टाइमिंग को कंफर्म कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे 3 बजे की बात यह है कि आपको नीलामी कितने दिन की करवानी है, क्या 2 दिन की करवानी है कि 1 दिन करवानी है, अभी ये भी फाइनलाइज नहीं किया गया है। तो इसलिए अभी ये चीजें जो पंगे हैं वो अड़ रहे हैं। अगर 2 दिन का नीलामी करवानी है तो 3 बजे से आपको टाइमिंग रख सकते हैं, लेकिन आपको अगर नीलामी सिर्फ 1 दिन पे ही खत्म करवानी है तो आपको 11 या 12 बजे से आपको नीलामी करवानी पड़ेगी। और जो भी आपके 600-700 प्लेयर आपके ब्रैकेट में वैकेंट में रहने वाले हैं उनको आपको यहाँ पे नीलामी में देना पड़ेगा, टीमों को देना पड़ेगा, तब आपका एक दिन में कंफर्म हो सकता है। तो इसलिए 12 और 3 ये 2 टाइमिंग के बीच में बात चल रही है और मोस्ट जो एक्सपेक्टेशन है वो 12 बजे ही रहने वाला है कि 12 बजे से आपको नीलामी देखने को मिल जाएगी। अगले न्यूज के बारे में हम लोग बात करें तो ये रहने वाला है ट्रेड विंडो को लेके। हाँ गाइस ट्रेड विंडो कब से स्टार्ट होने वाली है तो ये भी कंफर्म हो चुका है, 1 नवंबर से ट्रेड विंडो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 14 दिन बाद आपको ट्रेड विंडो स्टार्टिंग देखने को मिल जाएगा। और जो भी खिलाड़ी ट्रेड विंडो के जरिए दूसरे टीम में जाना चाहते हैं अब वो जा सकते हैं, उनका 1 तारीख से जो द्वार है वो खुल जाएगा, आसानी से आप अपनी टीम को फेर बदल या दूसरे टीम से अपने टीम में ले सकते हैं। ट्रेड विंडो एंड कब होगा, 30 नवंबर को एंड हो जाएगा, ये भी पूरी तरीके से कंफर्म न्यूज आ चुकी है। रिटेन्ड और रिलीव खिलाड़ियों की लिस्ट कब आएगी, ये भी काफी लोग जानना चाहते हैं कि भाई आखिर रिटेन खिलाड़ी और रिलीव खिलाड़ी की लिस्ट कब आएगी। सो भाई यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है वो 20 नवंबर से लेके साथ में 5 दिसंबर यानी कि 15 दिन का समय है बीसीसीआई को, आपको सभी चीजों को यहाँ पे ऑफर जो है वो बीसीसीआई को सबमिट करना है कि आपको कौन कौन से खिलाड़ी को आप छोड़ना चाहते हैं, कौन से खिलाड़ियों को आप अपने पास रखना चाहते हैं, सब जो चीजें हैं जो फॉर्मेट है वो सब चीजें आपको बना लेनी है। और इन 15 दिन में यानी कि आपको 20 नवंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में आपको सब चीजें बना के बीसीसीआई को दे के पब्लिकली ये सब चीजें आपको कर देनी है, ये आपको ये विंडो मिल चुका है। सो गाइस ये वो चीजें हैं जो कि फाइनलाइज कर ली गई है और नीलामी को लेके ये चीजें काफी ज्यादा यहाँ पे हाइप बना चुकी हैं। और गाइस ये चीजें तो आपको देखने को मिल गई है तो अभी मेंस आईपीएल को देखने को मिली है, लेकिन वुमेन्स आईपीएल की भी तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है और इस पे भी लेके काफी जल्दी सब न्यूज आ जाएंगी कि इनकी भी नीलामी कब होगी, कौन कौन से टीम रहने वाले हैं, कौन कौन से टीमों ने खरीद लिया है, ये सब चीजें आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। और गाइस इस नीलामी की बात करें तो ये ऑप्शन चेन्नई के फैंस के लिए, चेन्नई अच्छी तरीके से जानती है कि इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है,
क्योंकि सबसे पहली बात आपके पास पर्स वैल्यू काफी अच्छी रहने वाली है, आपके पर्स वैल्यू में काफी ज्यादा पैसे रहने वाले हैं। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है इन्हें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स को खरीदने की जरूरत रहने वाली है। और ये चाहेंगे कि हमारे टीम में अच्छे प्लेयर्स आए ताकि हम IPL 2023 में एग्जैक्टली चैंपियन फिर से बन जाए और ये चीजें हमें जल्दी होती हुई नजर आने वाली है। सो गाइस ये थे वो सभी न्यूज जो कि आज के डेट में निकल के आई थी, मैंने कंफर्म आपको बता दिया है। सो गाइस फाइनली आप बताइएगा कि आपके लिए कौन सी खबर अच्छी थी और हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, सब खबरें आपको वही मिलेंगी, वर्ल्ड कप की खबरें, लाइव मैचेस की लिंक, सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं।